लिंग का सिकुड़ना रोकने के लिए करें ये पांच आयुर्वेदिक उपचार। आइए मैं आपको बताने वाला हूँ लिंग सिकुड़ना रोकना है। सिकुड़ा हुआ लिंग लगता है तो उसके उपचार के लिए आप ये पांच आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा सकते हैं जिससे फायदा हो सकता है। और ये पांच आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो लिंग की कठोरता के लिए भी काम में आती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा समय तक टिकने के लिए भी काम में आती है, बेड पर ज़्यादा समय तक टिकना है, शीघ्र पतन का इलाज, सभी के लिए मतलब पांच आयुर्वेदिक दवाई काम में आती है। इसका सेवन आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सभी प्रॉब्लम्स या सभी समस्याओं का उपचार होना संभव हो सकता है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो पांच आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप अमेज़ॉन पर जाके ये दवाइयों का आप मतलब डिमांड कर सकते हैं या बुला सकते हैं। तो ये पांच में नंबर एक में दूंगा योहिम्बिन टैबलेट्स। योहिम्बिन ये टैबलेट ग्रुप में आता है, 5 मिलीग्राम की टैबलेट। यदि आप 3 बार लेते हैं और ये 3 महीने तक लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा उसका हो सकता है। नंबर दो, जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा जो है वो 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ये 2 बार या 3 बार दिन में आप खा सकते हैं और ये 3 महीने आपको खाने का है। इसमें भी आपको फायदा हो सकता है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काम में आता है, शीघ्र पतन के लिए भी ये काम में आती है। फिर साइबेरियन जिनसिंग ये भी कैप्सूल आती है, 500 मिलीग्राम की कैप्सूल है, 2 बार दिन में आपको लेने का है और ये भी आप अमेज़ॉन से बुला सकते हैं और ये डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेंगी लिंग सिकुड़ना प्रिवेंट करने के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। फिर नंबर 4, हॉर्नी गोट वीड। ये भी एक आयुर्वेदिक दवाई है, ये 2 कैप्सूल पर डे लेनी है, ये भी आप ऑनलाइन बुला सकते हैं और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन और लिंग का साइज, ये सभी प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में ये काम में आती है। ये भी आपको 3 महीने तक इसका सेवन करना है। फिर नेक्स्ट है दमियाना। ये जो एक हर्बल प्लांट है और ये भी कैप्सूल के रूप में मिलता है, 400 मिलीग्राम के कैप्सूल, 3 बार आपको लेना है दिन में 3 बार, ये भी आप 3 महीने लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ये पांचों दवाइयाँ जो है, योहिम्बिन, जिंको बिलोबा, साइबेरियन जिनसेंग, हॉर्नी गोट वीड और दमियाना कैप्सूल, तो ये सभी दवाइयाँ एक साथ भी आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अलग अलग भी ले सकते हैं। अलग अलग मतलब ऐसे कि पहले एक कैप्सूल का ट्राई करो, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके साथ साथ सिंपल मसाज करना, खोबरे का तेल पैक बंद डबा लाना और उससे रोज सुबह शाम यदि आप मसाज करते हैं पेनिस को और मसाज करके उसको ऐसा पुल करते बाहर खींचते हैं, डेली मसाज करते हैं, तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में काम में आ सकता है वो। और मसाज करने से मसल्स भी अच्छी, मतलब जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो भी अच्छा पावरफुल बन सकता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और आपको जो लगता है कि लिंग सिकुड़ गया है उसका भी, वो भी समस्या आपकी ठीक हो सकती है। तो मसाज करना ये भी एक अच्छा उसका उपचार हो सकता है और वो घरेलू उपचार है। तो ये सभी उपचार आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको शीघ्र पतन, लिंग में तनाव नहीं आना और लिंग का सिकुड़ना, ये सभी में ये दवाइयाँ काम में आ सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।